Hello friends. Welcome to Talent Crafts. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट क्राफ्ट। आज के आर्डुइनो वीडियो ट्यूटोरियल के दूसरे वीडियो में मैं आपको आर्डुइनो प्लेटफॉर्म के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं। मे बी आपको पहले से पता हो एंड अगर नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आर्डुइनो का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्डुइनो। सो फ्रेंड्स, आर्डुइनो का मतलब होता है ब्रेव फ्रेंड और स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, मीन्स एक बहादुर दोस्त। इटली कंट्री में बहादुर दोस्त को आर्डुइनो बोलते हैं। आर्डुइनो के को फाउंडर मैसिमो बेंजी हैं। मैसिमो बेंजी एंड डेविड कर्टल्स एंड उनकी टीम ने मिलकर 2005 में आर्डुइनो प्लेटफॉर्म को डेवलप किया था इटली कंट्री में। पहले आर्डुइनो बोर्ड जो था वो एडविया इट्रैक्शन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था, जो कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड एंड उनका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा ना हो। अब बात करते हैं आर्डुइनो बोर्ड की। आर्डुइनो बोर्ड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। ये आर्डुइनो प्लेटफॉर्म दो चीज़ों का मिक्स है, एक है माइक्रो कंट्रोलर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर IDE। ये दोनों चीज़ों को डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, ये बोर्ड बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल एंड फ्लेक्सिबल है। ये विंडो, मैक एंड लिनक्स तीनों टाइप की OS पे रन होता है। फ्रेंड्स, आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि आर्डुइनो से पहले जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज़ किए जाते थे वो ना तो ओपन सोर्स थे और ना ही इतने फ्लेक्सिबल कि हर कोई उनको यूज़ कर ले। एंड साथ ही साथ हमें कोडिंग भी आनी चाहिए थी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। वो बोर्ड्स हैं जैसे कि 8051, AVR, PIC, ARM7 एक्स्ट्रा। ये सारे कंट्रोलर्स जो रन करने होते थे उसके लिए हमें इनकी 600 से 1200 पेज की डेटा सेट रिफर करनी पड़ती है एंड दूसरे टाइप्स के और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब बात करते हैं आर्डुइनो प्रोडक्ट की कि आर्डुइनो में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आर्डुइनो का ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे ये सारी बोर्ड्स के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो भी नाम मेंशन है ये सारे बोर्ड्स हैं। इतने सारे आर्डुइनो बोर्ड तैयार करते हैं, ये मॉड्यूल, सेल्स, गेट्स एंड एसेसरीज। हमने प्रोडक्ट तो देख लिया, अब सारे प्रोडक्ट के बीच में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्डुइनो इतने सारे बोर्ड्स बनाता है और ये सारे बोर्ड्स की प्रोसेसिंग, नेम, ऑपरेटिंग इनपुट वोल्टेज, CPU स्पीड, एनालॉग इनपुट आउटपुट पिंस, डिजिटल PWM पिंस, EEPROM, SRAM, फ्लैश, USB, UART एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। सो हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से बोर्ड चूज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर हमें आर्डुइनो बोर्ड परचेस करना है तो हम कहाँ से करें, तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि ओरिजिनल आर्डुइनो बोर्ड कहाँ से मिलेगा। ये लिंक जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपको ओरिजिनल बोर्ड कहाँ मिलेगा। हम थोड़ा नीचे आते हैं, हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि हम कौन सी कंट्री में भी हैं। मीन्स जैसे कि मैं अभी इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया सर्च करूँगा। ये रहा इंडिया। इंडिया में इतनी जगह पे आर्डुइनो बोर्ड हमें मिलेंगे ओरिजिनल, और बाकी जो हमें शॉप पे मिलते हैं वो डुप्लीकेट नहीं है बट ओरिजिनल भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ओरिजिनल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बट आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आर्डुइनो की जो बोर्ड लोकल शॉप या ऑनलाइन मिलती है वो क्या डुप्लीकेट बोर्ड है। इसका आंसर मैं आपको आगे देता हूँ। बस इतना अभी बता देता हूँ कि ओरिजिनल बोर्ड जो होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ही हाई होती है, मीन्स वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आर्डुइनो का कौन सा बोर्ड रियल है एंड कौन सा चाइनीज क्लोन। ये सारी डेटा मैंने आर्डुइनो के ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वहीं से मैं आपको ये सारी डिटेल दे रहा हूँ। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आर्डुइनो की तो आप भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो आर्डुइनो यूनो के बोर्ड हैं जो कि SMD टाइप हैं। SMD मीन्स सरफेस माउंटिंग डिवाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का स्मॉल चिप लगा हुआ है दोनों पे, जो कि TQFP पैकेज है। TQFP मीन्स थिन क्वाड फिल्म पैकेज।
अब हमें ये चेक करना है कि दोनों बोर्ड में सीरियल कौन सा है और चाइनीज क्लोन कौन सा है। फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल की माउंटिंग आप देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो रिसेट का बटन है ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो रिसेट का बटन है वो चिप के बाजू में है और यहाँ पे जो रिसेट का बटन है वो माइक्रो कंट्रोल चिप से बहुत दूर है और एंड साथ ही साथ इस बोर्ड में सिंगल क्रिस्टल लगी हुई है और यहाँ पे दो क्रिस्टल हैं, मीन्स दिस इज रियल एंड दिस इज क्लोन। अब इसका बैक साइड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन पूरा ही चेंज है, सो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा रियल है एंड कौन सा क्लोन। अब हम आर्डिनो यूनो की DIP पैकेज की बात करते हैं। DIP मीन्स ड्यूअल इनलाइन पैकेज। इस टाइप के पैकेज में दो साइड चिप में पिन होते हैं। यहाँ पे हम बोर्ड्स के कलर पे फोकस करेंगे, एक है लाइट ब्लू एंड एक है डार्क ब्लू। तो जो लाइट ब्लू है वो बोर्ड रियल बोर्ड होती है और जो डार्क ब्लू होती है वो हमारा क्लोन है। अब अगर इसकी बैक साइड में देखें तो यहाँ पर भी हमें कलर में ही डिफरेंस दिखेगा, ये लाइट ब्लू है एंड ये डार्क ब्लू, सो इट्स अ रियल एंड दिस वन इज क्लोन। अब बात करते हैं यूनो नेम की, तो आप यहाँ पे ओ को ऑब्जर्व करें। यहाँ पे ओ बहुत ही स्मूथ से प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पे ओ में कुछ एंगल्स हमें दिख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कलर भी लाइट है, यहाँ पे कलर डार्क है, सो इट्स रियल एंड दिस वन इज क्लोन। अब लोगो की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको तीन टाइप के लोगो दिख रहे होंगे, तो ये लोगो पूरा नीट एंड क्लीन है एंड ये लोगो में एक तो कलर भी डार्क है एंड थोड़ा क्लीन भी दिख नहीं रहा, सो दिस वन इज रियल एंड दिस बोथ आर क्लोन। अब चूंकि आर्डिनो इटली में बना है सो बोर्ड के पीछे इटली का मैप दिया रहता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बोर्ड पे इटली का मैप पूरा क्लियर दिख रहा है, बाकी तीनों बोर्ड में इटली का मैप क्लियर नहीं दिख रहे हैं, सो दिस वन इज रियल अपार्ट फ्रॉम ऑल आर क्लोन। अब आगे चलते हैं, ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ये है फ्यूज जो कि हाई वोल्टेज एंड हाई करंट से बोर्ड की प्रोटेक्शन करता है। सो जिस बोर्ड में 501K लिखा हो एंड ये थोड़ा येलो टाइप का दिखे तो वो है रियल एंड इसमें 5x5 लिखा है या 5x2 लिखा है या उल्टा लिखा है कुछ पता नहीं चल रहा, तो दिस इज क्लोन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है बोर्ड की फिनिशिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट के ट्रैक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ड्रॉ किए हुए हैं और साथ में होल्स भी अच्छी तरीके से माउंट किए हैं, तो यहाँ पे उतनी फिनिशिंग दिख नहीं रही, सो दिस वन इज रियल एंड दिस वन इज क्लोन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये देखा कि आर्डिनो बोर्ड किसने बनाया, कहाँ पे बना एंड आर्डिनो कंपनी जो है वो कितने टाइप की बोर्ड को बनाती है एंड सारे बोर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है एंड साथ ही साथ अगर हमें ओरिजिनल आर्डिनो बोर्ड लेना हो तो वो ओरिजिनल बोर्ड कहाँ से मिलेगा एंड जो भी आपको लोकल शॉप या ऑनलाइन मिलते हैं वो ओरिजिनल बोर्ड नहीं है बट वो डुप्लीकेट भी नहीं है, वो ओरिजिनल बोर्ड का क्लोन है, तो आप क्लोन भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट आर्डिनो की प्रोग्रामिंग पे ले जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हम सारे ट्यूटोरियल्स देखेंगे।